अपना समस्त भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी खबर है सुष्मिता, मैं आऊंगा आपके पास। पार्वती दास की जीत हो गई है, 2,726 वोटों से पार्वती दास की जीत की बात सामने आई है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के बसंत कुमार रहे, तो एक बार फिर से बागेश्वर सीट पर कमल खिला है। 2007 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी सीट पर जीतती आई है और एक बार फिर से उपचुनाव में बीजेपी की जीत बागेश्वर सीट पर हो गई है। औपचारिक ऐलान भी हो गया है, 14वें राउंड की मतगणना के बाद यहां पार्वती दास ने जीत हासिल कर ली है। पति चंद्रनाम दास के निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनावी मैदान में उतारा, सहानुभूति वोट भी मिला और साथ ही साथ जैसा कि हमारे उत्तराखंड के लीडर अनुपम जी बता रहे थे कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के कामकाज पर भी बागेश्वर की जनता ने एक प्रकार से मुहर लगाई है, क्योंकि सीएम पुष्कर धामी ने भी यहां पर चुनाव प्रचार के दौरान ताबड़तोड़ जनसभाएं की थी, लोगों के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया था, बताया था कि कैसे डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड के विकास को लेकर प्रयासरत है। और चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ये कह चुके हैं कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, लिहाजा उस दिशा में सरकार लगातार प्रयास करती रहे, बागेश्वर में भी विकास की तमाम योजनाएं रुकने ना पाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक बार फिर से बागेश्वर सीट पर कमल खिले। और मुख्यमंत्री की इस अपील का उनके चुनाव प्रचार का असर हुआ, परिणामों में तब्दील हो गया है चुनाव प्रचार का असर। भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत गई है, पार्वती दास ने जीत दर्ज कर ली है, औपचारिक ऐलान हो गया। और आप देखिए कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी इसको लिटमस टेस्ट के तौर पर देख रही थी, और चूंकि इस उपचुनाव में पार्टी की जीत हुई है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी ऊर्जा के साथ ये कार्यकर्ता जुट जाएंगे। उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और 2024 के लिए भी बीजेपी ने यही लक्ष्य निर्धारित किया है कि सभी 5 सीटें जीतनी हैं। इसके लिए बहुत जरूरी था कि बागेश्वर उपचुनाव में जीत दर्ज की जाए और वही हुआ, पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। पार्वती दास जो कि चंद्रनाम दास की पत्नी है, उन्होंने जीत दर्ज की है। कांग्रेस पार्टी के बसंत कुमार को हार का सामना करना पड़ा है। बसंत कुमार जो कि 2022 का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के सिंबल पर लड़े थे, 17,000 से अधिक उनको वोट मिला था। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से रंजीत दास चुनावी मैदान में थे, उनको 20,000 वोट मिला था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का ये कैलकुलेशन था कि अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक मिल जाएगा तो वो चंदन रामदास के वोट बैंक से ज्यादा हो जाएगा और हमें सीट पर जीत मिल जाएगी। लेकिन जैसा कि हमारी सहयोगी सुष्मिता बता रही थी और साथ ही साथ अनुपम त्रिवेदी जी बता रहे थे कि सरकार के कामकाज से इतर यहां पर सहानुभूति वोट भी पार्वती दास को मिला और साथ ही साथ चंद्रनाम दास की जो व्यक्तिगत छवि थी उसका भी फायदा पार्टी को मिला है। आप ये तस्वीरें देखिए, पार्वती दास इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए यहां पर नजर आ रही है। इससे पहले जब वो लोगों के बीच जा रही थी, नॉमिनेशन के दिन भी वो बार बार भावुक हो जा रही थी अपने पति को याद कर। लिहाजा बागेश्वर की जनता ने उनको जीत का तोहफा दिया है, जीत दर्ज कर ली है पार्वती दास ने और बागेश्वर सीट का इतिहास फिलहाल नहीं बदला है। 2007 से लगातार कमल खिल रहा है, जैसा कि हमने आपको बताया कि 2007 में चंद्रनाम दास चुनावी मैदान में उतरे, बागेश्वर सीट पर पहली बार उन्होंने जीत दर्ज की। उसके बाद 2012, 2017, 2022 चार बार वो लगातार इस सीट से जीतते रहे। 2022 में जब वो जीत कराए तो पुष्कर धामी कैबिनेट में उनको शामिल किया गया, पहली बार वो मंत्री बने, हालांकि उनका आकस्मिक निधन हो गया। उसके बावजूद जबकि उनकी पत्नी चुनावी मैदान में उतरी तो एक बार फिर से बागेश्वर की जनता ने उनको वोट देकर विजयी बनाया। चलते हैं सुष्मिता के पास। सुष्मिता, जश्न शुरू हो गया है और ये जश्न बनता है क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी इसको लिटमस टेस्ट के तौर पर देख रही थी और इस टेस्ट में न सिर्फ पार्वती दास पास हुई हैं बल्कि पार्टी भी पास हो गई है। ठीक है, हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं सुष्मिता, पार्वती दास यहाँ पर पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही हैं और हमने वो तस्वीर भी दिखाई थी जब वो नॉमिनेशन वाले दिन आप लोग उनसे सवाल कर रहे थे तो बार बार भावुक हो जा रही थी, वो अपने पति को याद कर रही थी। कह सकते हैं कि बागेश्वर की जनता ने उनको ये बड़ा तोहफा दिया है, चंद्रनाम दास के निधन के बाद जो दुख परिवार पर टूट पड़ा था उस दुख से उभरने का एक मौका भी दिया है इस जीत के माध्यम से, ताकि चंद्रनाम दास बागेश्वर की जनता की जो सेवा कर रहे थे वो सेवा उनका परिवार अब उस सेवा को आगे बढ़ाए, कह सकते हैं सुष्मिता? जी, हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से है, मैंने पहले दिवंगत नेता
बाद पूरा बागेश्वर लेकिन वही जो उनके पति मिला उसके बाद सभी एकजुट होकर उनके लिए आगे आए जी। जिस तरीके से जीत इन पे हुई है उसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जनता का प्यार है श्रद्धांजलि के रूप में चंद्रदास जी के लिए सामने आया है। ठीक है सुष्मिता, आप बनी रहे हमारे साथ, अनुपम जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम जी, सुष्मिता जिस बात का जिक्र कर रही हैं कि चंदन राम दास के निधन के बाद जब पार्टी ने पार्वती दास को चुनावी मैदान में उतारा तो कार्यकर्ता नेता सारे बड़े चेहरे एकजुट हो गए इस बात के लिए कि हर हाल में पार्वती दास को जिताना है। इससे इतर अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, क्या वहां पर एक बार फिर से भितरघात कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ गया, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले रंजीत दास का कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले जाना क्या एक बड़ा झटका रहा पार्टी के लिए? देखिए इस तरीके से जो जैसे आप कहते हैं अंग्रेजी में एक शब्द है टर्न कोट्स, यानी कि कुछ नेता यहाँ से वहां और वहां से यहाँ, ये दोनों पार्टियों में हुआ है। हाँ। कांग्रेस से भी कुछ लोग गए वहां और बीजेपी से भी कुछ छोटे मोटे नेता कांग्रेस की तरफ को आए जो नाराज थे। लेकिन देखिए अंततः जो इम्पैक्ट पड़ता है बाय इलेक्शन में, जैसे मैंने कहा जो रूलिंग पार्टी है उनका कामकाज रहता है, उनकी छवि और वो जिस हिसाब से लोगों के बीच जाते हैं उसका काफी इम्पैक्ट पड़ता है। और यहाँ पर जो अंततः जो बीजेपी सीट जीती है वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो पार्वती दास जिनको टिकट दिया गया था बीजेपी की तरफ से, ये एक विशुद्ध गृहिणी महिला थी, उनका कोई ऐसा पॉलिटिकल एक्टिविटी रही नहीं थी उस एरिया में। उनके पति जो स्वर्गीय चंदन रामदास है वो जरूर वहां एक्टिव थे, विधायक रहे, सिटिंग विधायक रहे, लेकिन ये एक राजनीतिक परिवार से थी, लेकिन एक थी एकदम गृहिणी। तो इनके लिए भी एक पहला इलेक्शन था, लोगों से किस तरीके से मिली है, बाकी पार्टी संगठन जो पीछे से लगा है उससे कहीं ना कहीं इनको फायदा मिला है। चुनाव जरूर क्लोज था लेकिन फिर भी 3000 वोटों के आसपास का ये अंतर है पूरे ईवीएम और बैलेट्स को मिला के, जो पोस्ट है उनको मिला के, तो कह सकते हैं कि बीजेपी ने अंततः अपनी सीट को बचाया है, साफ बचाई है। और जो अब लोकसभा के इलेक्शन में पार्टी जाएगी तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर देगी कि देखिए हम पहले असेंबली में जीत के आए हैं, बाय इलेक्शन हमने जीता है, और जो बीच में जितने भी चुनाव हुए पंचायत वगैरह के, उससे पहले हरिद्वार पंचायत के या कहीं के भी हुए हैं, उनमें भी हम लगातार पहले भी जीतते आए हैं। तो अब क्योंकि ये हम सारे इलेक्शन जीते हैं लिहाजा लोकसभा इलेक्शन में भी एक मैसेज देने की कोशिश जरूर पार्टी करेगी। ठीक है, बीजेपी के लिए हासिल यहाँ पर जीत रहे लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या हासिल हुआ? अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया है।